सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं दीपिका पादुकोण। ओम शांति ओम फिल्म के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका आज टॉप की एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर अब ये अपनी शादीशुदा जिंदगी भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। आए दिन दीपिका और रणवीर की कोजी पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और आज के ही दिन साल 2018 में ये दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। आज इन दोनों की शादी को ठीक एक साल हो चुका है। वैसे तो कई ज्योतिष ने दीपिका की कुंडली को लेकर कई खुलासे किए हैं, लेकिन आज हम आपको इस बात के बारे में बताएंगे, इस बात पर खास तौर पर नजर डालने वाले हैं कि अब दीपिका के घर में खुशी की किलकारियां कब गूंजेंगी, यानी कि दीपिका कब माँ बनेंगी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से आने वाले समय का आकलन काफी आसानी से किया जा सकता है। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम एक नजर डालते हैं दीपिका की कुंडली के ऊपर, क्या कहती है उनकी कुंडली। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को तुला लग्न तुला राशि में हुआ। दीपिका का फिल्मी सफर फिल्म ओम शांति ओम से शुरू हुआ। दीपिका पादुकोण के करियर जीवन में किसी घटना के प्रति संवेदनशील हैं। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ऐसी नौकरियां पसंद करती हैं जिनके लिए थोड़ा परेशान और दबाव की आवश्यकता हो। इसी के साथ दीपिका पादुकोण की जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को ध्यान में रखते हुए वो हमेशा अपने कार्यों के प्रति तत्पर दिखाई देती हैं और प्रयास करती रहती हैं, और इनके प्रयासों को हमने सफल होते हुए भी देखा है। 5 जनवरी 1986 2:39 पर दीपिका ने जन्म लिया। जन्म के समय तुला लग्न और लग्न में मंगल केतु चंद्रमा स्थित थे, द्वितीय भाव में शनि थे, तृतीय में 3 ग्रह शुक्र सूर्य और बुध थे, उसी के साथ चतुर्थ में गुरु और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ था। तुला लग्न और तुला राशि की दीपिका है। लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में बैठा है और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपको बता दें कि 9वां भाव भाग्य का होता है। भाग्येश बुध तृतीय भाव में गुरु के घर में बैठा हुआ है। गुरु की 3 दृष्टि पूर्ण होती है। गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चतुर्थ भाव को गुरु 6ठे भाव 10वें भाव और कर्म भाव और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव पर डाल रहा है। इनका फिल्मी करियर बहुत ही शानदार है और इसी तरीके से आगे भी इनका करियर काफ़ी ज़्यादा शानदार ही रहने वाला है। आपको बता दें, दीपिका की कुंडली में शुक्र भाग्य भाव को मजबूत कर विवाह के बाद सफलता इन्हें और भी ज़्यादा दिला रहा है। इसी वजह से विवाह के बाद शादी के बाद रणवीर और दीपिका को और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। आपको बता दें, लगन में स्थित मंगल और सप्तम भाव का राहु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह कभी कभी परेशानियां भी उत्पन्न कर देते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र और ग्रहों की स्थितियां काफ़ी ज़्यादा अनुकूल बनी हुई है। और ये दीपिका हो सकता है अभिनय के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाने वाली है। इसी के साथ एक नज़र रणवीर की कुंडली पर भी डाल लेते हैं। ऐसा बता दें आपको कि रणवीर का जन्म 6 जुलाई 1985 को कन्या लग्न में हुआ। 2वें भाव में शनि और केतु, 5वें गुरु, 6ठे में चंद्रमा, 8वें में राहु, भाग्य भाव में शुक्र, 10वें में सूर्य और मंगल और 11वें भाव में बुध स्थित है। कुंडली में कई बड़े राजयोग विराजमान है रणवीर की कुंडली में। आपको बता दें, लग्नेश बुध लाभ भाव अर्थात 11वें भाव में
खूब धन प्राप्त करवा रहा है इन्हें। गुरु और शुक्र त्रिकोण भाव यानी कि पंचम और नवम में बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। गुरु की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़कर और भी ज्यादा इन्हें भाग्यशाली बना रही है। गुरु में नवम दृष्टि लगन में सुदृढ़ बना रही है, जिसकी वजह से दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि रणवीर और दीपिका समाज के लिए एक परफेक्ट कपल के रूप में उभर रहे हैं। दोनों के शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में होकर बहुत ही सुखद वैवाहिक जीवन इन दोनों को प्रदान कर रहे हैं। गुरु दोनों के बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं और वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य को बढ़ाने का काम करते हैं। और शुक्र को तो विवाह और प्रेम का ही कारक ग्रह माना जाता है। इस प्रकार दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखद तरीके से बीत रहा है और आगे भी इसी तरीके से बीतते रहेगा। अब कामयाबी इन दोनों के कदम चूमने वाली है। आपको बता दें, ये विवाह बहुत ही ज़्यादा सफल रहने वाला है आगे चलकर भी। अब इनकी कुंडली को देखकर ज्योतिष के ज्ञाता ऐसा भी अंदेशा लगा रहे हैं कि साल 2021 तक दीपिका के घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। अब दीपिका और रणवीर के फैंस को उनके इस मूवमेंट का भी बेसब्री से इंतजार है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।